नमस्कार दोस्तों, भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे होने का जिस तरीके से जबरदस्त जश्न मनाया, हर घर तिरंगा, हर नुक्कड़ चौराहे पर तिरंगा, हर गाड़ी मोटरसाइकिल ट्रक हर जगह तिरंगा, शायद ही इतना जबरदस्त माहौल पहले कभी देखने को मिला हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सोमवार को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया, लेकिन सवाल ये था कि ऐसे में रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, जिनको चीन के, अब ये बोला जा रहा है कि वो चीन के बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं, उन्होंने, रूसी राष्ट्रपति ने, पुतिन ने भारत को क्या बोला, तो मैं आपको बताता हूँ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय नेतृत्व और भारतीय आवाम को बधाई दी है। सोचिए दोस्तों, ऐसे में जब चीन हर तरीके से रूस का साथ देने के लिए झुक रहा है, हर तरीके से रूस के साथ खड़े होने का दावा कर रहा है, भारत के पुराने दोस्त ने चीन को दरकिनार कर भारत को, भारत के देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। दुनिया भर में भारत की अहमियत को रेखांकित करते हुए पुतिन ने कहा कि कृपया भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हार्दिक बधाई स्वीकार करें। भारत ने आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में सार्वभौमिक रूप से बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की है, जिसे दुनिया ने माना भी है और जिसका दुनिया भारत का लोहा भी मानती है। विश्व मंच पर भारत को बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है। भारत दबाव वाले मुद्दों को हल करने में एक महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका निभाता रहा है। पुतिन ने इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई दी। उन्होंने रूसी भारतीय संबंधों को रेखांकित किया, जो विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की भावना से विकसित हो रहे हैं। पुतिन ने कहा, मॉस्को और नई दिल्ली विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक सहयोग कर रहे हैं। दोनों ही देश संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, SCO और अन्य है बहुपक्षीय संरचनाओं के दायरे में बेहद प्रभावी ढंग से बातचीत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पुतिन ने दोनों देशों के नागरिकों के बीच के संबंधों की मजबूती पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि संयुक्त कोशिशों के जरिए हम अपने लोगों के लाभ के लिए उत्पादक अंतर्राज्यीय संबंधों की मजबूती सुनिश्चित करेंगे। रूसी राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2021 को स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव की जो है वो शुरुआत की थी। यह महोत्सव भारत के उन सेनानियों के प्रति समर्पित है जिन्होंने भारत के विकास की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या दोस्तों, जिस तरीके से रूस भारत का साथ दे रहा है, भारत की जिस तरीके से उसने तारीफ की, क्या आपको लगता है रूस हमेशा भारत का एक मजबूत दोस्त, एक मित्र बना रहेगा, या आपको लगता है कि जिस तरीके से रूस और चीन की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, रूस भारत का साथ जो है छोड़ सकता है? अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, आपकी राय इसलिए ज़रूरी है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कि हर भारतीय तक आपकी राय पहुँचे। आपकी जो राय है वो बहुत ज़रूरी है। आपकी राय पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान के हर एक शख्स को पता होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये तारीफ करता हुआ रूस ने जो भारत की ज़बरदस्त तारीफ की है, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पिछले 75 हफ्तों में कई कार्यक्रम जो है जगह जगह पर आयोजित किए गए और हर देशवासी ने इसे झूम कर इसकी खुशी मनाई। तो दोस्तों, आप सभी को भी इस आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश हित चैनल है हॉकफीड न्यूज़, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।